In fact, ये लोग तीनों, you know आकांक्षा also पहले से? नहीं. Okay. So Zubin and Himanshu were already like very good friends and मैं और आकांक्षा एंड Zubin have worked together before. तो मैं सबसे मतलब new थी वहाँ पे. I was like a fresher in between them. But I think ऐसा हो गया कि ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत टाइम से यू नो जानते एक दूसरे को, इतनी मस्ती की है हम लोग, इतनी ज़्यादा मस्ती की है कि बैक बेंचर्स वाली फीलिंग आई, बिकॉज नवजीत सर खुद कभी कभी बोलते अरे यार काम कर लो, इतनी मस्ती की है हम लोग ने. एंड आई थिंक वी यू नो वी क्रिएटेड दैट बॉन्ड बिटवीन अस कि अब ऐसा लगता है कि यू नो बहुत टाइम से जानते हैं, तो काफ़ी मज़ा आया. आपकी तो पॉपुलरिटी के बारे में हमें पता ही है, लेकिन जब ऐसे कॉल आता है जैसे कि आपने बताया कि ऐसे ही कॉल आते हैं, ऐसे बिलीव करते हैं कि ये गाना हिमांश जी को करना है या ये गाना स्नेहा जी को करना है, सो क्या फील फील करते हैं? यार बहुत अच्छी फीलिंग है जब भूषण जी जैसे इतने बड़े इंसान और समवन हु इज गॉट सच अ बिग एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, जब वो आप पे भरोसा करते हैं. मेरा तो हमेशा से, क्योंकि मैं यहाँ से ही मुझे ब्रेक मिला, मैंने अपनी करियर की शुरुआत सब यहीं से की है, तो मेरा और उनका एक रिलेशन अलग है. वो मेरे साथ में ऐसा नहीं होता कि करना ही नहीं करना, सीधे होता है वो कर रहा है उसे सेट पे भेज दो. सो दैट इज़ द रिलेशनशिप वी हैव, वो मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उस कॉन्फिडेंस से आगे चला जाता हूँ सेट पर और उसको शूट करके आता हूँ. इट्स अ रियली गुड थिंग. आई मीन बहुत मुश्किल से ऐसे रिलेशंस बनते हैं जहाँ पे इतना भरोसा होता है एक दूसरे के ऊपर में काम को लेकर, और इसीलिए शायद हम पूरी हिम्मत लगा देते हैं अपनी, यार मेहनत करते हैं उसमें कि वो अच्छा बने और अच्छा साउंड करे, क्योंकि उन्होंने अपने एंड से तो कर दिया प्रिपेयर, आगे का जो जॉब है वो हमारा होता है एज एन एक्टर. सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी ऑल्सो एन्जॉय. आई मीन मुझे बहुत प्राउड भी फील होता है उस पर, ऐसा आई रियली फील प्राउड व्हेन ही बिलीव्स इन मी एंड ब्लेस्ड जब वो ऐसे इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छे अच्छे गानों का मुझे एक हिस्सा बनाते हैं. तो सबसे पहली बात तो सेम मुझे शेयर करना था कि जब मुझे पता चला कि मैं ये गाना कर रही हूँ, जो मुझे अप्रोच किया था, तो द बेस्ट थिंग जो मुझे लगा था कि दे कुड एक्चुअली, ओल्ड एरा के तो सारे लोग फैन होते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि दे कुड एक्चुअली विजुअलाइज मी, या मुझे उस यू नो डिंपल कपाड़िया, स्मिता पाटिल, हेमा मालिनी, तो ऐसे सारे परवीन भाभी, ऐसे सारे लुक्स दिए, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि दे कुड इमेजिन मी इन दैट लुक, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू पोर्ट्रे दैट रेट्रो यू नो दैट जो भी लुक है. तो एंड आई थिंक इवन माई मदर वॉज सेइंग दैट यू नो वी लुक्ड लाइक दोज ओल्ड, बिकॉज मेरी मॉम को बहुत लोग बोलते थे शी यूज्ड टू लुक लाइक डिंपल कपाड़िया, स्मिता पाटिल. सो या आई थिंक पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस सॉन्ग कि यू नो वी गॉट टू प्ले सच रोल्स. एंड अबाउट Zubin, आई थिंक ही इज डन अ फैबुलस जॉब एज अ प्रोड्यूसर, भारत सक्सेना. सो आई थिंक माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा कैरेक्टराइजेशन हुआ है सबका, तो गाया भी अच्छा है, एंड यू नो ही पोर्ट्रेड हिज एक्टेड रियली वेल. जो कार्ड निकाल कजन्स है वो लोग ऐसे ऐसे करके एक्टिंग करते हैं, स्टाइल है बाबू भैया उनका स्टाइल. तो या लाइक यू नो वी ही कैरीड हिज कैरेक्टर वेरी वेल इन द सॉन्ग. यू नो ही इज़ अ गुड सिंगर, दुनिया जानती है Zubin Nautiyal, एक बहुत ही बड़ा नाम है सिंगिंग इंडस्ट्री में, लेकिन ऑफ लेटली आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी पीपल इस गाने के बाद से, वे पीपल वर सेइंग कि बहुत अच्छा एक्टिंग करने लगा है Zubin यार, एंड वो तो एक्टर भी बन गया अभी. तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपकी डिफरेंट साइड्स दिखनी शुरू होती है. आर्टिस्ट के अंदर बहुत सारे टैलेंट होते हैं, तो आपको उसको खुद एक्सप्लोर करना होता है. सिंगिंग में तो उन्होंने एक मुकाम हासिल कर ही लिया, और मैं चाहूँगा कि वो और आगे बढ़े. उन्होंने अभी अपने जो करियर, तो उन्होंने बहुत पहले से शुरू किए, लेकिन रिकग्नाइज वो अब होना शुरू हैं बहुत अच्छे गानों के साथ में, और मैं चाहता हूँ कि वो डेफिनेटली और आगे बढ़े, और वो बढ़ेंगे भी, डेफिनेटली बढ़ेंगे उस चीज़ में. बट एज एन एक्टर इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल थिंग कि अच्छी एक्टिंग करते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है उनका, एक ऑरा क्रिएट करते हैं अपना. सो नथिंग लाइक इट, जब ऐसे हम चार लोग इकट्ठे हुए उस वीडियो के अंदर में, चारों ने अपने अपने कुछ ना कुछ काम किए हुए हैं
we've been recognized somewhere by some other work. So मैं जिस दिन बोला दूँ शायद उसी चीज़ का आई थिंक एक शुरुआत थी हमारी चारों के इकट्ठे होने की. और आइसिंग ऑन द केक, एक अच्छा डायरेक्टर जब उसको अच्छे से डायरेक्ट करता है तो वो चीज़ और बढ़िया बन जाती है. नवजीत ने बहुत मेहनत की इस गाने पे. हम लोग जब शूट कर रहे थे तब वहाँ पे दिल्ली में फार्मर्स प्रोटेस्ट राइट्स बहुत सारे चल रहे थे उस समय. तो पंजाब में भी डिफ़िकल्टीज हो रही थी रात को शूट करने के लिए, लोकेशंस मुश्किल से मिलती हैं वहाँ पे, और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कोविड के प्रोटोकॉल्स, प्लस कर्फ्यू भी लग गया था एक दिन. तो आफ्टर 10 10 बजे के बाद शूट अलाउड नहीं था. तो एक सर्टेन बजट अलॉट होता है हर प्रोजेक्ट को जिसमें आपको उसको अकम्प्लिश करना होता है, पूरा करना होता है. एंड नवजीत शायद मुझे लगता है उससे थोड़ा ओवर बजट ही चले गए होंगे वाइल शूटिंग, जो कि क्योंकि चार एक्टर्स आप एक सेट पर रखते हैं, इतनी भीड़ आप देखते हैं, लोकेशंस हमारी मतलब आप देखिए सेट क्रिएट किए गए हैं यार, तो वो पूरा सेट क्रिएट करना उसमें बहुत खर्चा होता है. सो ही इज़ गॉट अ गुड विजन, आई एम श्योर वो बहुत वो भी आगे बढ़ेंगे. और जितनी क्लैरिटी उन्हें है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, बहुत कम डायरेक्टर्स होते हैं ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, यू नो कितना स्माइल करना है आपको, कितना गुस्से से देखना है. कॉम्प्रोमाइज नहीं करते जुबिन को, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब एक काम निकलवाया जुबिन से, उन्होंने बहुत अच्छा निकलवाया सबसे, उन्होंने बहुत अच्छे से काम निकलवाया. एंड वेरी सिंसियर, वी हैड अ वंडरफुल टाइम. कुछ सीख के आना बहुत ज़रूरी है हर प्रोजेक्ट से. ये वो प्रोजेक्ट था जिससे भी हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही था. एंड क्योंकि आपने बताया कि बैक टू बैक आपके और भी ढेर सारे म्यूजिक वीडियो कुछ आ रहे हैं, एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, आपसे भी जानना चाहेंगे. अब हम देख रहे हैं स्पेशली टी सीरीज के जो म्यूजिक वीडियो हम देख रहे हैं स्टोरी के साथ चल रहे हैं, जैसे मैं म्यूज़िक को ना बहुत इन्जॉय करता हूँ, आज से नहीं बचपन से करता हूँ. जितने 90s के गाने हैं, जितने आज के गाने हैं, आज के गानों को मैं इसमें काउंट नहीं करता क्योंकि मुझे उनके लिरिक्स याद नहीं रहते, क्योंकि मुझे मीनिंगफुल लिरिक्स नहीं लगते हैं. पर जैसे आप सडनली कुमार सानू जी के गाने चलाएंगे, उदित नारायण जी के गाने चलाएंगे, तो उस एरा के जितने भी गाने हैं, आमिर खान जी के गाने हो गए, सलमान खान के गाने हो गए, वो गाने आपको दिल से याद रहते हैं. आप कहीं से भी शुरू कर दो आपको कहीं ना कहीं आप पकड़ लोगे उसको. गाना था खम्बे जैसी कड़ी है, हाँ. लड़की है फुलझड़ी है. तो शायद मैं इस गाने को रोज़ गुनगुनाता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं जो कहते हैं दिमाग की हार्ड डिस्क के अंदर ये सेव्ड है कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली, और इसे रोज़ नहीं सुनना पड़ता. आज का जो म्यूज़िक ट्रेंड का जो एरा चल रहा है हमारा, म्यूज़िक वीडियोज़ का एरा चल रहा है, इट इज़ गुड क्योंकि इट्स अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का, एक आपको एक स्टोरी मिलती है, कुछ फ्रेश मिलता है. समय आजकल लोगों के पास कम रहता है. वेब सीरीज़ सो मच इज़ अवेलेबल ऑन नेट, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, आज OTT प्लेटफॉर्म्स की भी बारिश हो रही है मार्केट में इस समय. तो मुझे लगता है कि उसमें अगर आप और एक छोटा ट्रेंड सेट करते हो म्यूज़िक वीडियो के साथ में स्टोरी कन्वे करने का, तो वो एक पैकेज डील हो जाती है ऑडियंस के लिए कि हम आपको 6 मिनट के अंदर में एक अच्छा गाना भी देंगे और कोशिश करेंगे कि उसके साथ एक अच्छी स्टोरी भी आपको डिलीवर कर दें. सो दैट इज़ व्हाट पीपल वांट. 50 क्रिकेट का जो ओवर होता था वो 20 पे आया, आप सुनने में आया 10 भी आ रहा है. तो ये भी मुझे लगता है कि वो भी इसी तरह का एक फॉर्मेट चल रहा है हमारी इंडस्ट्री के अंदर में. फिल्म, वेब से अब छोटा आप क्या हो सकता है, और जितना शॉर्टेस्ट स्पैन के अंदर में आज देखिए आप शॉर्ट वीडियोज़ कितने चलते हैं, रील्स चलते हैं, तो उनका चलने का रीज़न यही है क्योंकि वो ज़्यादा समय आपका खपाते नहीं हैं, खर्च नहीं करते हैं आपका ज़्यादा समय, और आपको लिमिटेड टाइम में सब कुछ डिलीवर कर देते हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? तो हाँ, एज ए मार्च सेड, मैं कम्प्लीटली अग्री करती हूँ कि कुछ पुराने गाने जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, मेरे महबूब कयामत होगी, वो सब बाय हार्ट है, पता नहीं कैसे आता है, बट गाना बज रहा है तो लिरिक्स, आई डोंट नो हाउ आई नो इट. ऑल्सो अभी जैसे मेरे कजन 15-16, बट इफ यू प्ले एनी ओल्ड सॉन्ग उनको आता है, मुझे नहीं पता कैसे उनको आता है, उनको लिरिक्स आती है. और जो भी नए गाने हैं, ऑफ कोर्स मतलब द बेस्ट पार्ट इज कि ये गाना आजकल के जो गाने हैं उसके बीच में उठ के दिखता है, उठ के नजर आता है, उठ के यू नो सुनाई देगा, क्योंकि अगेन इसकी लिरिक्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस डीप. तो और मुझे एक्चुअली खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे गाने का हिस्सा बनने को मिला जो यू नो पुराना है, लिरिक्स इतनी इंटेंस है, डीप है, और प्लस वैलेंटाइंस वीक के लिए तो ये सबसे बेस्ट सॉन्ग है, सबसे बेस्ट. और हम लोग जो भी रील्स देख रहे हैं, आई एम लाइक
ओवर एंड कि यार इतना अच्छा प्यार दिख रहा रिस्पॉन्स है, आ नो रहा इट कैन क्रिएट लव, इट रिमाइंड्स लव, द लाइंस आर अमेजिंग. तो मुझे लगता है कि गाने ऐसे होने चाहिए ना जिसमें आप एब्सोल्युटली अगर गाने अगर सुनते हो तो आपको याद रहने चाहिए गाने. जैसे वो फर्स्ट लाइन वही दिल ने मेरे दिल से कहा, वो एग्जैक्टली तो मतलब मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम लाखों बार सुन सकते हैं, 24 आवर्स इजी वी कैन लिसन टू दैट पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि वो एक्चुअली दिल को छू जाती है. जो लिरिक्स अच्छे होंगे जिन गानों के उनको डेफिनेटली ऑडियंस हमेशा सराहती है. मैं अगेन अपनी वही म्यूजिकल जर्नी की बात कर रहा था. यारिया के आज जितने भी गाने आप सुनो, 7 साल हो गए हैं यारिया को अभी, और हाँ 7 साल में भी कॉन्ग्रेचुलेशन एक्चुअली, वो दीपा मैडम ने नीचे हाँ लास्ट डे सेलिब्रेशन क्या था. सेलिब्रेट किया एग्जैक्टली था. सो 7 साल कंप्लीट हुए हैं यारिया को. आज भी अगर आप इस दर्द दिल की सिफारिश या सुनते हैं, अल्लाह वारिया सुनते हैं, लव मी थोड़ा और सुनते हैं, तो आपको गाने याद रहते हैं अपने आप ही, क्योंकि उन गानों का एक महत्व होता है, उनका एक इम्पैक्ट पड़ता है ऑडियंस पे. और मैं ये नहीं कहता कि जो बाकी गाने बना रहे हैं वो बेकार हैं, बट मैं उनको क्लासिफाई करता हूँ कि वो एक होते हैं मीनिंग वाले गाने होते हैं और एक होते हैं बीट्स वाले गाने. तो मैं उनको बीट्स वाले गानों में काउंट करता हूँ, जिसको मैं शायद टैप करूँगा, थोड़ा सा ग्रूव करूँगा, बट मैं शायद उनको अपने घर लेके नहीं आऊँगा अपने साथ में, या जब मैं कभी सुकून परस टाइम में जब मैं रिलैक्स करना चाहूँगा तो मैं ऐसे गानों को ज़्यादा सुनता हूँ जिनसे मैं रिलेट कर सकूँ. और या अगर मैं आंखें बंद करके रिलैक्स कर रहा हूँ, इन गानों को सुन रहा हूँ, तो कुछ अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करना शुरू कर दे. गाने वही होते हैं ना, हम लोग इमोशंस हैं एक तरह से, हैप्पीनेस सैडनेस, तो वो सारे इनको कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई कर दें तो वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं. और आई एम सॉरी बट मैं भूल गया एक सबसे बड़ी चीज़, कि जब दो सिंगर्स, इतने बड़े सिंगर्स जुबिन नौटियाल, तुलसी कुमार गाना गा रहे हैं, तो हमारे लिए सारा काम ईजी हो जाता है बहुत. दे आर डिलीवरिंग बैक टू बैक हिट्स, बैक टू बैक हिट्स आ रहे हैं उनके गाने इस समय, बेस्ट ऑफ द बैक बेस्ट. टू बैक आपके म्यूजिक वीडियो भी आने वाले हैं, कुछ एक दो तो थोड़ा सा बता दीजिए, ऐसे या होंगे मैं म्यूजिक होगा या हाँ आई मीन आई एम एक्सप्लोरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट. एज सच मैं ये नहीं सोचता कि म्यूजिक वीडियोस करने हैं. कभी ऐसा भी होता है कि मैं साल में एक भी म्यूजिक वीडियो नहीं करता हूँ. 2017-18 बैक टू बैक फिल्म 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 फिल्म, बीच में म्यूजिक वीडियो ही नहीं आया. फिर बीच में ऐसा टाइम आ गया बैक टू बैक गाने 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 गाने. तो जो अच्छा प्रोजेक्ट आता है उसे मैं ग्रैब कर लेता हूँ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि मुझे कुछ नया करने को मिलेगा. पहले जो काम रहता था ये रहता था बस कुछ भी काम आ जाए सब चल जाएगा. आई थिंक विद टाइम आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग. मुझे भी इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे समय होता जा रहा है, मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर समझ रहा हूँ. तो आज मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी प्रोजेक्ट्स जिसमें भी इन्वॉल्व होता हूँ, बस यही कोशिश करता हूँ कि पहले मैं उसे खुद एन्जॉय करूँ. तो मैं खुद एन्जॉय करूँगा तो मैं उसमें कुछ मैजिक क्रिएट कर सकूँगा. और लकीली देव बिन अ लॉट ऑफ वर्क ऑफर्ड. अभी इतना काम शुरू ऑलरेडी शूट हो चुका है, कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है. सो इट्स गोइंग वेरी वेल यार. 2020 जितना सैड गया मुझे लगता है 2021 उतना ही सबके लिए अच्छा होने वाला है. ये साल डेफिनेटली अच्छा जाए. वी ऑल गॉन थ्रू सो मच इन लाइफ, अकेला रहना, और कई लोग प्रोडक्टिव होते हैं कई लोग खाली रहते हैं. तो आई मीन आई हैव यूटिलाइज्ड माई 2020 इन समथिंग और द अदर, कुछ ना कुछ सीखा मैंने. अब 2021 मुझे लगता है वापस बैक ऑन फील्ड, लेट्स एंटरटेन, लेट्स गेट बैक वेयर आई एम सपोज टू बी. सेम आपसे भी 2021 की शुरुआत हो चुकी है. इसके अलावा अगर आप बता सकें कि क्या कुछ धमाका करने वाली है आपके म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट. तो ये म्यूजिक वीडियो का जब शूट चल रहा था, मैं ऑलरेडी एक साउथ साउथ की की फिल्म, फिल्म की हाँ शूट कर डेट्स ही नहीं रही देती है मैडम बिल्कुल भी यार. ऑलरेडी साउथ की फिल्म की शूट कर रही थी, और क्योंकि ये कर्फ्यू चल रहा था हम लोग का डेट एक्सटेंड और एक दिन एक्सटेंड हो गया था ये वीडियो के लिए. और मैं अकेली वहाँ पे रोई जा रही, मुझे मेरा शूट है यार, मेरे को जाना है, मुझे जाना है. देन सर लाइक स्नेहा जी प्लीज, स्नेहा जी स्नेहा जी प्लीज. प्लीज तो मैंने प्लीज ऑल्टर करके अपने डेट्स को आगे पीछे करके वहीं से मैंने डे नाइट किया है उस वक्त. और यहाँ से डे शूट करके ख़त्म करके वहाँ पे हैदराबाद में नाइट किया. तो मेरी तेलुगु फिल्म आने वाली है अप्रैल में. उसके अलावा अभी एक Z5 के लिए वेब सीरीज की शूट चल रही है मेरी. तो अभी फिलहाल म्यूजिक वीडियो तो यही था. आई थिंक यही काफ़ी है बहुत टाइम के लिए, बिकॉज ये बहुत दिन तक लोगों के दिल में रहेगा. एंड प्लस वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड टू दिस इज कि मुझे लग रहा था कि ये गाना 25+ लोगों को ही समझ आएगा, या फिर थोड़े से नॉट नहीं रियली मुझे लगा था, नॉट मुझे रियली. लगा था. तो मेरे कजिन जो 15-16 साल के, वो दिन भर ये गाना देख रहे और सुन रहे.
और उसके उनकी जो पूरी ग्रुप है, उनके फ्रेंड ग्रुप जो लाइक यू नो जो कॉलेज की उनकी फ्रेंड ग्रुप है, दे ऑल आर वॉचिंग इट ऑन लूप एंड दे आर लविंग इट सो मच. तो तब मुझे यकीन हो गया कि ये एक्चुअली सबको पसंद आने वाला है. सो द 90s era इज बैक, पीपल आर अगेन पसंद आ रहा है. सॉरी, पीपल हैव अगेन स्टार्टेड लाइकिंग मेलोडी. धुन होनी चाहिए अच्छी, अच्छे लिरिक्स होने चाहिए. और ये वापस मुझे हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा जो आइडेंटिटी म्यूज़िक है हमारी, हॉलीवुड फिल्म्स और हिंदी फिल्म्स में यही तो डिफरेंस है. हमारी फिल्मों में म्यूज़िक होता है, हमारी फिल्मों के म्यूज़िक में इमोशंस होते हैं. तो बहुत अच्छा समय भी आ रहा है कि ऐसा अच्छा म्यूज़िक वापस आना शुरू हो गया, जहाँ पे लोग वापस गानों को लाइक करते हैं, उस तरह से देखते हैं उस मीडियम को. और जो रीच एक्चुअल में म्यूज़िक की है ना, वो और किसी चीज़ की नहीं है. म्यूज़िक ट्रैवल्स वर्ल्ड वाइड. म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती. सो एग्जैक्टली, पीपल एडमायर, उसमें इमोशंस समझ जाते हैं. सो द एरा इज गेटिंग बैक. लकीली इट्स अ गुड टाइम फॉर इंडस्ट्री नाउ. ओके, सो जाते आते मैंने सुना है एक्चुअली बहुत अच्छा गाती हैं. शूट, ये तो सेट पे गाती थी. ये तो हिमांश स्टार्ट करेंगे, मैं ज्वाइन करूंगी. ये गाना या आपका जो भी, मैं गा लेता हूँ. मैं सबको पता है, मैं तो गा लेता हूँ. मैं आई एम टी सीरीज बॉय ना, तो यहाँ पे टी सीरीज बॉय को बच्चों को क्या होता है ना, ट्रेनिंग मिलती है म्यूजिक की भी पहले, कि कभी ऐसा समय आए बेटा जहाँ पे आपको स्टेज पे जाना हो, सिंगर ना आए तो आप गाओगे वहाँ पे, ऐसा टाइम भी हो जाता है. तो आप शुरुआत करें. अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ यार, कोई नहीं. दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क जो है वही जो है बे इंतहा. तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा. कि जब तक जीऊँ मैं, जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का. मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का. लव यू बाबा एंड लव यू टीके, थैंक यू सो मच आप लोगों ने. मेरे भाई बाबा ने गाया है, टीके तुलसी कुमार ने गाया है और बहुत अच्छा गाया है. ये इम्पैक्ट होता है जब आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ को जब आप लाइक करो, एडमायर करते हो ना, तो आप उसे इंजॉय करना शुरू हो जाते हो. तो ये गाना गा पाने का रीज़न भी ये है कि इतने अच्छे सिंगर्स ने इसको इतने अच्छे से गाया है कि आप उसको 100 बारी सुनोगे, आप ऑटोमेटिकली बैक ऑफ द माइंड क्या होता है ना, हम लोगों की ट्रेनिंग सबकी कैसे चलती है, हम लोग आज से नहीं पुराने जमाने सब जमानों में यही होता है कि आप अपने फेवरेट सिंगर को सुनते हैं, उसको साथ में हम करना शुरू होते हैं और आप अपने आप गा भी देते हैं. हम लोग सब में एक बाथरूम सिंगर है, हम सब में. हम अपने लिए जब गाते हैं ना तो बहुत अच्छा गाते हैं, जब हम दूसरों के लिए गाते हैं तब हमें ट्रेनिंग चाहिए होती है. सो गोइंग वेल. ये गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, इसकी आदत है. मेरे दिमाग में आ रहा है, आप किसी से भी यहाँ पे पूछ लीजिए, बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन बहुत ही जिस वे में आप लोगों ने गाना गाया है, जिस अंडरस्टैंडिंग से गाना है, सुपर. तो बताइए कि स्नेहा जी, ऐसे हम देखेंगे जल्दी आपका डेब्यू होएगा सिंगिंग. हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना यार, मैं तो यहाँ आई एम द टी सीरीज बॉय है ना, तो यार तो वो मुझे नहीं आता ना वैसे. मैं यहाँ सारे फ्लोर्स में घूमता रहता हूँ, तो मेरे सारे सुर सही हो गए अपने आप. हर फ्लोर पे एक सुर है और एक सर है. थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए. जल्दी मिलेंगे और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट म्यूजिक वीडियो में. थैंक यू गाइस. वैलेंटाइंस का ये गाना हमारा, मैं जिस दिन बुला दूं, यूट्यूब चैनल टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है. थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने उसको इतना ढेर सारा प्यार दिया है और इस प्यार को कंटिन्यू रखिएगा अपने सभी चाहने वाले, अपने सभी दोस्तों को. वैलेंटाइंस डे पे आपके जितने फ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं,
ब्रेकअप हो गए हैं जिन जिनके, सब सबको भेजो गाना यार, सबको इस साल प्यार चाहिए, हाँ सब सही हो जाएगा लाइफ में बिल्कुल। तो आप लोग इतना ही प्यार देते रहिए इस गाने को, एंड हम लोगों के एफर्ट्स जो होते हैं वो काउंट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। सो टीम, मैं जिस दिन भुला दूँ की तरफ से थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, और स्नेहा जी की तरफ से सबको एक छोटा सा इनाम मिलेगा। हग डे, आज हग डे, ओके हैप्पी हग डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप ब्लश कर रहे हो अब देखो, तो गाना गाओगे उनके आगे जाके सारे सही हो जाएंगी सारी चीजें लाइफ में बिल्कुल। थैंक यू, हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। थैंक यू मैम।